हेलो एवरीवन वेलकम टू ई मन आई एस आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी ऑफ मन वे एस एंड आई ऑल्सो वेलकम यू टू आवर इनिशिएटिव अभ्यास 2.0 पॉइंट टो विच इज एक्सक्लूसिवली लॉन्च फॉर एच सी एस प्रियम्स हमारे इस इनिशिएटिव में हम जितने भी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं अपने एच प्रिलिम्स से रिलेटेड फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर अदर रेलिवेंट एम सी क्यूज़ हो जितने भी टॉपिक्स हैं अपने स्टैटिक करंट अफेयर्स स्टैटिक के अंदर अपना हरियाणा के जी के हरियाणा वाला स्टैटिक पार्ट भी राइट एवरी थिंग पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री जोग्रफी साइंस एंड टेक हरियाणा जी के हरियाणा का स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स नेशनल करंट अफेयर्स हरियाणा करंट अफेयर्स एवरीथिंग जितने भी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है इन सबसे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दो वी विल ट्राई टू रीच एज एस क्वेश्चन वी विल ट्राई टू डू एज मनी एस क्वेश्चन पॉसिबल हमारा एच एस फ्रिल्स विच इज गोइंग टू कनेक्टेड ऑन इलेवन फेरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर राइट अकॉर्डिंग टू एच पी एस सी नोटिफिकेशन एंड इट विल भी डेफिनेटली गोइंग टू कनेक्टेड एज वेल अट ग्यारह फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है ये मान के चलिए राइट सो नाव यू हैव समेर अराउंड फोर्टी डेज राइट मोर और लेस फोर्टी डेज ही है आपके पास अब प्रिपरेशन के लिए सो बी सीरियस विद प्रिपरेशन एंड आई सिंसियरली होप कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं आप हमारे हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं राइट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अभी मन यू आई एस इज़ देयर विद यू हमारा हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं जहाँ पर भी आपको डाउट हो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कोई भी हिंड्रेंस आ रही है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन टेल एस वी विल ट्राई टू रिजोल्व रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल राइट ऑल वी वांट इज योर सपोर्ट टू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस आप हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जहां भी आप हम साथ जुड़ना चाहते हैं यू आर फ्री टू ज्वाइन अस राइट इफ यू हैव एनी क्वेरी आई एम अगेन रिपीटिंग यू कैन कॉल ऑन टू सपोर्ट नंबर एज वेल आप वहां भी हमसे अपनी क्वारी को रिजॉल्व कर सकते हैं एंड एज फार ए स्टूडेंट लेक्चर इज कंसर्न आज का टॉपिक है पॉलिटी आज पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जिसके अंदर हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है राइट ये हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपने एससीएस के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है बिकॉज अगर आप एस का पैटर्न एनालाइज करेंगे सो यू विल भी फाइंडिंग आउट कि हमारा जो एससीएस का एग्जाम है वो काफी हद तक एनालिटिकल होता जा रहा है वो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीवियस पेपर पूछे हुए वो कई बार रिपीट भी हुए हैं अपने एस के पिछले दो तीन साल के पेपर आप एनालाइज करें सो यू विल फाइंडिंग आउट कि एस के एग्जाम के अंदर हमारे यूपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो एज इट इज रिपीट भी करे गए राइट सो विद दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड लेट स्टार्ट आवर वीडियो आज की वीडियो को शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे राइट ओके सो पहला क्वेश्चन है consider the following statements the minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 years okay a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period which of the statements given above is or are correct options are 1 only 2 only both 1 and 2 or neither one nor two by the way before attempting this question लेट मी रिकॉल यूथ द प्रोटोकॉल आपको वीडियो के अंदर कैसे बढ़ना है आपको क्या करना है जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो को करना है पॉज अपने आप अटैम्प्ट करेंगे राइट एंड देन यू विल कंटिन्यू विदीडियो एंड यू विल सी वेदर द क्वेश्चन योर आंसर वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट इफ इट वॉज करेक्ट कंटिन्यू अगर वह इनकरेक्ट है तो दोबारा वहीं पर अपने आप वीडियो को करेंगे पॉज एंड यू विल चेक

बट जो फाइनल एग्जाम जब डी डे होगा आपका वहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए उस दिन कोई मिस्टेक नहीं उस दिन सारे आंसर आपके जितना आप मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कर सकेंगे डेफिनेटली आप उसके लिए जाइए राइट दिस इज वाइट आईम ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस वीडियोज एज वेल यही मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ राइट कि आपको क्या करना जितनी मिस्टेक्स हैं आपको बस एग्जाम से एक दिन पहले तक करनी है उसके एग्जाम वाले दिन कोई मिस्टेक नहीं करनी उस दिन अपना बेस्ट एफर्ट देके आना है हंड्रेड परसेंट देख आना है कि कुछ भी ना हो एग्जाम क्लियर हो दैट्स इट दैट निकले उसके बाद मेंस की सोचेंगे मेंस क्लियर हो उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू क्लियर बस ऑफिसर बनना है दैट्स इट ये आपका मोटा होना चाहिए आपका एजेंडा होना चाहिए और इसी लाइन पे रह के आगे बढ़ना है आपको राइट एंड दिस वीडियो अगेन रिपीट कर रहा हूं वीडियो को पॉज करेंगे आंसर चेक करेंगे करेक्ट इन करेक्ट है वेल एंड गुड इन करेक्ट है तो मेक फाइंड आउट कहां पर गलती हुई है और उसको ठीक करें और उसी से अपनी आगे बढ़ते जाए राइट ओके नाउ ट सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही कहते मिनिमम एज प्रसक्राइड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी होती है 21 साल राइट right? ये डिफरेंस है पंचायत के अंदर मिनिमम इक्कीस साल होनी चाहिए पच्चीस नहीं पच्चीस है लोकसभा के लिए राइट right? और राज्यसभा के लिए थर्टी ओके okay. अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिजोल्यूशन प्री मेच्योर डिजोल्यूशन मतलब नॉर्मली कितना टेन्योर है फाइव ईयरस होता है नॉर्मल अगर प्री प्रीमे डिजोल्यूशन का मतलब है बिफोर फाइव ईयर्स राइट कि पांच साल से पहले ही पांच साल पूरे होने से पहले डिजोल्व अगर हो जाए देन इट कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड सो इज इज करेक्ट स्टेटमेंट यस इसको क्या बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स कि तीन साल बाद ही तीन साल बाद ही पंचायत क्या होगी डिजोल्व राइट तीन साल बाद ही क्या होगी पंचायत डिजोल्व होगी सो इन दैट केस जो नई पंचायत बनेगी दैट विल बी ओनली फॉर टू ईयर्स एंड नाइन पांच साल के लिए नहीं बनेगी वो वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए बनेगी विच इज टू ईयर राइट ये ये बोल रहे हैं आपको ये डिफरेंस है यही अगर लोकसभा होगी ना लोकसभा अगर पहले डिजोल्व हो जाता नई लोकसभा पूरे पीरियड के लिए बनती है पांच साल के लिए इनकेस की वो बीच में वो भी डिजोल्व अगर ना हो तो बट मैक्सिम टाइम पीरियड उसका पांच साल होगा यहां पर क्या होगा खाली जो रिमेनिंग पीरियड होगा रिमेनिंग टेन ईयर होगा पांच साल में से राइट right? इस एग्जाम्पल से आई होप आपको चीजें समझ में आ गए होंगी सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज टू ओनली राइट ओके नेक्स्ट सी आंसर इज बी ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ओके फर्स्ट स्टेटमेंट अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन ओके अगर प्रोरोग हो जाए ठीक है देखते हैं अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ओके सेलेक्ट द करेक्ट आंसर One only, two only, both one and two, या फिर नीदर वन नॉर टू ऑल राइट ओके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है बिल पेंडिंग इन द लोकसभा प्रोरोगेशन तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है नो इट इज एन इन करेक्ट स्टेटमेंट अगर जो आपकी लोकसभा क्या हो जाए प्रोरोग होने का क्या मतलब होता है प्रोरो होने का मतलब क्या होता है कि नाव पूरा जो सेशन है आपका एक बार ही का जो सेशन होता है राइट वो ओवर हो जाना मीटिंग जब ओवर होती है एक दिन की उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन ए डे कब होता है जब मीटिंग एडजर्न हो जाए लेकिन डेट अगली डेट ना दे अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि भाई अगली मीटिंग कब होनी है उसको बोलते हैं एडजनमेंट साइन एड एडजमेंट साइन ए राइट तीन चीजें होती है अपनी वट आर थ्री थिंग्स वन इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट अदर इज कॉल्ड एस एडजर्टमेंट साइन एडे राइट एंड द थर्ड इज प्रोरोगेशन ऑल राइट नाओ अब डिफरेंस क्या है इन तीनों में एडजर्टमेंट का मतलब क्या होता है एडजर्टमेंट का मतलब होता है एंडिंग द सिटिंग ऑफ अ सिंगल डे एंडिंग द सिटिंग सिंगल डे एंड प्रिस्क्राइबिंग द नेक्स्ट सिटिंग ऑल्सो प्रिस्क्राइबिंग द नेक्स्ट डेट ऑफ दिटिंग ऑल्सो प्रिस्क्राइबिंग द डेट ऑफ नेक्स्ट आज की ओवर हुई। कल हम इस डेट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सीटिंग अपनी इस डेट को होगी इतने बजे होगी तो प्लीज वहां पर सारे के सारे प्रेजेंट हो राइट right? वो तेट जनमेंट कौन करेगा ऑब्वियसली प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा इसको भी राइट right? इसको कौन करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओनली एंड देन देर इज एडजर्नमेंट साइन एड इसके अंदर क्या होगा ये भी करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही इसमें भी क्या होगी सिटिंग एंड होगी एंड द सिटिंग एक सिंगल डे की सिटिंग बट डिफरेंस कहां आएगा इसमें नेक्स्ट नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट डे नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर नेक्स्ट सिटिंग नेक्स्ट सिटिंग कि भाई वो अगली सिटिंग नहीं बताएंगे कब होनी है आज के लिए जाओ देखते हैं बता दिया जाएगा आपको जनरली ये कब होता है जब कमेटी जब कमिटियां फॉर्म हो जाती हैं उनको रिकमेंडेशन के लिए भेज उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता तो है उसकी कोई प्रिस्क्राइब डेट नहीं होती है ऐसे तब एडजर्समेंट साइन एड ही होता है राइट एंड द थर्ड इज प्रोरोगेशन ये क्या होता है इट इट इज एंडिंग द सेशन राइट इट इज एंडिंग द सेशन बेसिकली ये कौन करेगा ये प्रेसिडेंट करता है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं करता है प्रेसिडेंट करता है राइट ओके सो क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा था क्वेश्चन अपने से पूछ रहा था कि जो बिल पेंडिंग होते हैं लोकसभा के अंदर क्या वो प्रोडोक्शन के बाद लैप्स हो जाते हैं तो आंसर है नो तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट राइट एंड देन अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा नॉट लैप्स ऑन ऑफ लोकसभा दिस इज करेक्ट अगर अभी राज्यसभा के अंदर सिर्फ पेंडिंग पड़ा है बिल वो लोकसभा में गया ही नहीं था लोकसभा में गया ही नहीं था पास ही क्या से हो जाएगा फिर तो क्या वो लैप्स हो जाएगा नो no. लोकसभा डिजोल्व होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब वो लैप्स नहीं होगा तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी दैट इज टू ओनली इज द करेक्ट आंसर राइट ओके नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट राइट फर्स्ट स्टेटमेंट एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हीयर ओनली सिविल केसेज एंड नॉट क्रिमिनल केसेस ओके सेकेंड स्टेटमेंट द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविटीज एक्टिविटीज विज मीडिएटर्स और रिकनसीलिएटर्स ऑल राइट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या नीदर वन और टू राइट अच्छा क्वेश्चन है लेट सी फर्स्ट स्टेटमेंट एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हीयर ओनली सिविल क्रिमिनल नो ग्राम न्यायालय एक्ट के अकॉर्डिंग दे कैन हियर बोथ सिविल केसेज भी सुन सकते हैं वो क्रिमिनल केसेस भी सुन सकते हैं दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविटीज यस डेफिनेटली लाइक जो डीएम होता है इस एक्ट के अंडर ही डी एम कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ समल वर्कर्स राइट सोशल एक्टिविटिस्ट जो विच कैन एक्ट एज मीडिएटर्स अंडर दिस ग्राम न्यायालय एक्ट सो द करेक्ट आंसर विल बी For this option also, will be also option B, that is two only. See here, this is the act, right? Gram try criminal cases, civil suits, claims, or disputes which are specified in the first schedule and the second schedule of the act. Act mm -hmm. means like Gram Act, right? The Gram are supposed to try to settle the disputes as far as possible by bringing about conciliation between the parties, and for this purpose it can make use of the appointed conciliators. कंसिलियेटर्स क्या हो कंसिलियन का मतलब क्या होता है यू कैन रिलेट इट टू मीडिएशन बट थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होता है एक वर्ड होता है आर्बिट्रेशन देर इज मीडिएशन एंड देर इज कंसिलिएशन इन तीनों में बेसिक बेसिक कुछ डिफरेंसिस ज़रूर होते हैं बट ऑल एंड ऑल ये क्या चीज़ है ये एक्स्ट्रा मतलब कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट्स को सेटल करना हो नॉर्मल कोर्ट्स जो होती है लिटिगेशन प्रोसेस होता है उसके बाहर अगर आपको कोई फास्ट थोड़ा जल्दी भी करने के लिए कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होते हैं राइट उनको बोलते हैं आपकी आर्बिट्रेशन मीडिएशन लाइक आर्बिट्रेशन मीडिएशन और कंसिलियन इन तीनों में कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंसेस भी होते हैं बट इनका पर्पज क्या होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट काइंड ऑफ कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जिसको बोलोगे आप वो इन तीनों से हो सकती है सो ग्राम न्यायालय इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ कंसिलियन कंसिलियन वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं ग्राम न्यायालय राइट एंड दे आर फॉर्म अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट तो देर आर स्टेटरी बॉडीज राइट ओके सो नाउ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपका कि जो ग्राम न्यायालय दे कैन डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट बोथ ऑफ पेटर लोकल नेचर राइट छोटे मोटे जो लेवल के होते हैं बट कर सकते हैं वो सिविल भी और क्रिमिनल बोथ एंड अंडर दिस एक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद कंसल्टेशन ऑफ डीएम प्रिपेयर पैनल ऑफ सोशल वर्कर्स टू एक्ट एज काउंसलर्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट राइट सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाय द राइट ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पार्लियामेंट है अपनी इंडिया की पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ ऑन दर्टिकुलर किस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ कब बना सकता है राइट इफ

पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ कब बना सकता है वेन एक रेजोल्यूशन राइट right? एक रेजोल्यूशन पास होए कौन पास करेगा राज्यसभा और मेजोरिटी कितनी होगी मिनिमम टू थर्ड ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग राइट टू थर्ड ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ओनली इन दैट केस पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी राज्यसभा माई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन ऑफ टू थर्ड ऑफ इट मेंबर्स प्रेजेंट एन वोटिंग राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ करना पड़ता है एंड ऑप्शन इज आंसर इज डी राइट ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट ऑल राइट द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैजिक्स यहां पर क्वेश्चन किस्से पूछ रहे चीफ सेक्रेटरी से विच ऑफ द स्टेटमेंट इजा रहा करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या फिर ईदर वन टू ओके बाय द वाई हु चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल स्टेट ब्यूरोक्रेसी है बेसिकली उसमें जो है सबसे ज्यादा सबसे ऊंची पोस्ट स्टेट ब्यूरोक्रेसी की जो हैड होगा दट इज कॉल्ड एज चीफ सेक्रेटरी इट इज सिमिलर टू कैबिनेट सेक्रेटरी राइट आप कैबिनेट सेक्रेटरी बट एट दाउफ सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट क्या स्टेटमेंट करेक्ट है सो आंसर है इसका नो दिस इज नॉट करेक्ट कौन अपॉइंट करता है इनको सी एम चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं राइट एन द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट इज दो फिक्स नहीं होता राइट ये कोई ऐसा कुछ नहीं कितने भी टाइम के लिए इसको अपॉइंट किया जा सकता है बट जनरली इस पर रिकमेंडेशन बहुत आई हुई है कि कि इनका फिक्स करना चाहिए, चाहिए, like, ने रिकमेंड किया था कि साल कर देना ट्रेंड इज दट चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी बट दिस कंसल्टेशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है there is no fixed tenure for the post of chief secretary by the way arc had recommended that a chief secretary should have a minimum tenure of 3 to 4 years so the correct answer kaogar both incorrect correct answer will be option d right okay and i hope you are getting the correct answers right okay now after the different question which of the following statement is or are the indicators used by the fp to compute the global इफ प्री टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है कौन कौन से पैरामीटर्स को ऑप्शन है आपके अंडर नरिशमेंट चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑप्शन वन ओनली टू एंड थ्री ओनली वन टू एंड थ्री ऑफ ए वन एंड थ्री ओनली राइट सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑल ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं अंडर दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के लिए सारे के सारे पैरामीटर इज ऑप्शन डी दैट इज वन टू एंड थ्री राइट ओके सी आंसर। आंसर शुड बी सॉरी डी मतलब सी यस एंड थ्री आंसर शुड बी सी ऑब्वियसली सारे के सारे टू एंड थ्री ओके नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ओके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं आपको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर ओके द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड द करेक्ट वन एंड टू या नीदर वन नॉर टू राइट तो पहली स्टेटमेंट स्टेटमेंट बाइ स्टेटमेंट देखते हैं इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आंसर है इसका

है इसके अंदर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होती है ओनली राइट दैट इज द रीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ है ओके एंड द हाइएस्ट रैंकिंग इज द कैबिनेट सेक्रेटरी क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट राइट The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. Okay. Then, the Governor of a state nominates the Chairman of the Legislative Council of that particular state. Alright. So, which of the above statement given above is correct or incorrect? Option A, one only, two only, both one and two and neither one nor two. Alright. So, let us see. द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिलेटिव असेंबली ऑफ पर्टिकुलर स्टेट इज इज करेक्ट नो इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज कितना होता है ना कि हाफ वन थर्ड से बड़ी नहीं होनी चाहिए राइट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट नो कौन करती है द खुद लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वही करेगी

मोर देशिप ऑफ द स्टेटिटिव असेंबली हाउ एवर दिल्बर की चालीस से कम भी नहीं होनी चाहिए और वन थर्ड से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए असेंबली की जितनी आपकी साइज होगा जितने उसके नंबर ऑफ में उसके अंदर राइट आई होप यू आर यू हैव गेटिंग द करेक्ट आंसर फॉर दिस यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेटिव काउंसिल बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है हमेशा इससे तो पॉइंट्स पता होने चाहिए और ये आर्टिकल भी आपको जरूर याद रखना है 171, right? आर्टिकल 171 सेवेंटी वन राइट एक सौ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ओके पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन देन सी राज्यसभा कैन नॉट बी रिजोल्व एंड डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा राइट ओके

इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स किस किस की सेपरेशन ऑफ पावर्स है यहां पर ये तीन ऑर्गन है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी स्पेशली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इनके आप सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है यहां पर ज़रूरी नहीं है आपका कि जो आपके जो हेड है राइट right? जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर पार, का पार्ट हो जो प्रेसिडेंट है क्या वो कांग्रेस के पार्लॉ जो उनकी पार्लियामेंट की जो सो कॉल्ड लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस बोला जाता है क्या उसके पार्ट होते हैं नो no. वो अलग से अपॉइंट किया जाता है सीधे अलग से इलेक्शन चल रहे हैं उनके ये सर बस जबकि इंडिया के अंदर क्या है इंडिया के अंदर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली वो मिलकर ही उनको अपॉइंट कर रही है पहली बात तो इलेक्ट कर रही है बट और हमारे यहाँ पर रियल हेड कौन है प्राइम मिनिस्टर और वो पहले लेजिस्लेचर का पार्ट है फिर एग्जीक्यूटिव बनते हैं राइट वेर एज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्पेशलिटी क्या होती है यहां पर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल बाई दुवर्ड्स पीपल और इन टेक्निकल टर्म्स पीपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर लोकसभा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव हेयर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा आपका बेसिकली प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली टू द लोकसभा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेन करेक्ट है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का राइट ओके नाउ सी हियर देर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली विद पीपल नो द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नो रो राज्यसभा नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा येस दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा राइट पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम से तो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंसी सिस्टम इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके सी आंसर इज डी नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज राइट डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वन द प्रिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द

सोशल वेलफेयर या और सोशल राइट्स को डिनोट करते हैं राइट सोशल इक्वालिटी की तरफ जाते हैं और सोशल इक्वालिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी साथ में इंटरलिंक्ड होती है अकेले काम नहीं करती कभी भी सोशल के साथ हमेशा इकोनॉमिक जुड़ा रहता है वेर एज द फंडामेंटल राइट्स हैं आपके ये किसकी तरफ है दीज आर टुवर्ड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी राइट ओके वेर एज द फंडामेंटल राइट दीज आर पॉलिटिकल राइट्स पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ये पॉलिटिकल और सिविल इक्वालिटी की तरफ है राइट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डू मेक अ नोट ऑफ इट क्वेश्चन में यह लिखा आपको इसलिए बता रहा हूं अलग से राइट सो कीपिंग दिस इन्फॉर्मेशन इन माइंड लेट्स आउट ट्राई दर टेम क्वेश्चन द प्रिंसिपल्स पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री यस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर लिखा होता तो आंसर होता फंडामेंटल राइट देन द प्रोविजन कंटेन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट येस बिल्कुल दे आर नॉन एनफोर्सिबल नॉन जस्टिसिएबल डी पीज आर नॉन एनफोर्सिबल एंड नॉन जस्टिसेबल वेर एज फंडामेंटल राइट दे आर जस्टिसेबल एंड एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ राइट सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से बोथ आर करेक्ट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सो विद दिस वी हैव रिच द एंड ऑफ आवर वीडियो बट विद बिफोर एंडिंग द वीडियो आई है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद टू शेयर विद यू अगर आपने अपनी स्टडी पूरी कर ली और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो गई है सो माई डियर फ्रेंड्स आई मस्ट वॉर्न यू यू आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपना एम सी क्यू मोक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन एप्लीकेशन वाला पार्ट बेसिकली जिसके बिना आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है अगर आपने स्टडी कर ली है अपनी पूरी लेकिन आपने उसको टेस्ट नहीं करा कि भाई हमें कितना आता है हम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि जो रियल एनवायरमेंट जब एग्जाम होगा आपका दो घंटे का उस एग्जाम टाइम के अंदर क्या हम टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं क्या हम कोई सीलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे क्या हमें अभी भी रिविजन की जरूरत है ऑल दिस थिंग्स अगर आपने अभी भी एनालाइज नहीं करा तो आई एम टेलिंग यू आर लैगिंग बिहाइंड सो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपने अभी भी कोई मोक टेस्ट सीरीज आपने सब्सक्राइब नहीं करी राइट सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू राइट आई हैव वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू अभी मन्यू आई एस ने एक्सक्लूसिवली एच सी एस प्रियम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है right so let me just show you test series so here it is अभिमनी है इसने एक्सक्लूसिवली एच सी एस फिल्म के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है जिसके अंदर हमने 26 टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं जीएस और सी सेट के बोथ सी सेट के सेक्शनल टेस्ट भी हैं सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट भी हैं जीएस के सेक्शनल टेस्ट भी हैं जीएस के फुल लेंथ टेस्ट भी हैं एंड द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज कि यहाँ पर आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा आपके टेस्ट का कि आप जब टेस्ट देके हटेंगे आपको यू विल बी टोल्ड कि आपने कहाँ के वीक एरियाज हैं क्या आपने उसको काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यू विल बी योर फाइंडिंग आउट कि आपने क्या कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी राइट right? क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे राइट ऑल सो इट इज वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू बिगेस्ट थिंग सिर्फ और सिर्फ अब 8500 में भी नहीं डिस्काउंट पे और एट रुपीज सिक्सटी फाइव हंड्रेड दो हजार ऑफ करके पैसठ सौ के अंदर सिक्सटी फाइव हंड्रेड रुपीज के अंदर आपको पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर रखा है कॉल करके पूछ सकते हैं राइट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एनी डाउट राइट सो विद दिस आई विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड डिवर्स एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय थैंक यू